हेलो दोस्तों, दुनिया में कुछ देश बहुत कमजोर हैं। उन पर जब भी किसी देश का जी चाहे हमला करके कब्जा कर सकता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जिन पर हमला करने में बड़े बड़े देशों को भी सोचना पड़ता है, और फिर भी अगर उन पर कोई हमला कर भी दे तब भी इन देशों से जीतना नामुमकिन है। इसकी वजह है इन देशों की ताकतवर आर्मी, ताकतवर दोस्त और इन देशों की ज्योग्राफी। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही दुनिया के देशों के बारे में बताने वाला हूँ। नंबर 10, ईरान। ईरान का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ ईरान। सऊदी अरब, टर्की और अमेरिका जैसे ताकतवर और एकजुट दुश्मन देश होने के बावजूद ईरान पर वर्ल्ड वॉर टू के बाद से कोई भी देश हमला नहीं कर सका है। ईरान के मिलिट्री में है लगभग 5 लाख सैनिक, 1658 टैंक्स, 137 फाइटर प्लेन्स। एक बड़े युद्ध में लड़ने और खुद को दुश्मन से बचाने के लिए ये सब काफी है, लेकिन इससे ज्यादा ताकत दूसरे देशों के पास है। तब भी इस देश में घुसना इसके पहाड़ी इलाकों की वजह से काफी मुश्किल है। ईरान की गवर्नमेंट के पास बहुत से अंडरग्राउंड मिलिट्री बेसेस का नेटवर्क है जो ईरान के लगभग हर शहर के 500 मीटर नीचे बना हुआ है। नंबर 9, ऑस्ट्रेलिया। दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक ऑस्ट्रेलिया को भी जीतना नामुमकिन है। कैसे, आइए जानते हैं। इसकी वजह इसकी आर्मी नहीं बल्कि इसकी ज्योग्राफी है। ऑस्ट्रेलिया से जीतने लायक और ताकतवर देश उसके आसपास कोई है ही नहीं। उसके पास के ताकतवर देश हैं चाइना, इंडिया, जापान, जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर दूर है। जापान ऑस्ट्रेलिया से 11,000 किलोमीटर की दूरी पर है और बीच में है समुद्र। जो देश ऑस्ट्रेलिया के पास है वो इतने ताकतवर नहीं कि उससे जीत सके। इसके अलावा अगर कोई देश ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर भी दे तो वो खुद को ही मुसीबत में डाल लेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की 98% पॉपुलेशन समुद्र के किनारे बने शहरों में ही रहती है और बीच का ऑस्ट्रेलिया एकदम खाली पड़ा है, जो कि हजारों किलोमीटर का रेगिस्तान और जंगलों वाला इलाका है। इसमें कहां कहां पर ऑस्ट्रेलियन आर्मी बेस है ये कोई नहीं जानता। और वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जापान ने ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा करने के लिए हमला किया भी था, लेकिन इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से जापानियों को अपना इरादा बदलना पड़ा। नंबर 8, रशिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि रशिया से जीतना कितना कठिन है तो आप अपने वक्त के दुनिया के सबसे ताकतवर लोग यानी नेपोलियन और हिटलर से पूछ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको टाइम मशीन की जरूरत पड़ेगी। नेपोलियन और हिटलर ने अपनी बेहद ही ताकतवर आर्मी के साथ रशिया पर कब्जा करना चाहा था, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा। रशिया की सेफ्टी की वजह इसकी ज्योग्राफी है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी ज्यादातर जमीन पहाड़ों, जंगलों और बर्फ से घिरी हुई है। वर्ल्ड वॉर टू के वक्त नाजियों के रशिया पर हमले के बाद रशियन आर्मी उनसे लड़ी नहीं बल्कि पीछे हटती गई, क्योंकि वो जानती थी कि हिटलर की आर्मी उनके इतने बड़े देश को पार करते हुए जीत नहीं पाएगी, बल्कि इनके बहुत से सैनिक ठंड की वजह से मर जाएंगे और नाजियों को पीछे हटना ही पड़ेगा। और ऐसा हुआ भी। इस वक्त रशिया दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश है और दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु हथियार भी रशिया के पास है, इसीलिए इससे जीतना लगभग नामुमकिन है। नंबर 7, नॉर्थ कोरिया। दुनिया के सबसे सनकी तानाशाह किम जोंग उन का देश है नॉर्थ कोरिया। इसकी दुश्मनी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों से है, फिर भी इस पर कोई भी देश हमला क्यों नहीं करता। इसकी वजह है इस देश का दम। नॉर्थ कोरिया में भी काफी दम है। नॉर्थ कोरिया में 10 लाख से ज्यादा सैनिक, 4,200 टैंक्स, 222 अटैक हेलीकॉप्टर से, और तो और इस देश के पास है न्यूक्लियर वीपन्स जिन्हें चलाने में ये जरा भी देर नहीं सोचेगा। और इतने सख्त कानून होने के बाद भी नॉर्थ कोरिया की जनता अपने प्रेसिडेंट किम जोंग उन को बहुत ज्यादा मानती है, इसीलिए जनता का पूरा सपोर्ट भी किम जोंग उन के पास है, तो इस देश पर भी कब्जा करना आसान नहीं है। नंबर 6, भूटान। भूटान दुनिया के सबसे एकांत देशों में से एक है जो इंडिया के उत्तर में हिमालय पहाड़ों में बसा हुआ है। इसकी आर्मी में केवल 6,000 सैनिक हैं और इसके पास एयरफोर्स भी नहीं है, तो फिर इस पर कब्जा करना इतना कठिन क्यों है। ये दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिस पर कभी भी किसी भी देश ने कब्जा नहीं किया। सन 1700 में ब्रिटिश एम्पायर ने इस पर हमला किया था। बेसिकली इन्होंने ज्यादातर देशों पर हमला किया था, लेकिन भूटान पर कब्जा करने में कामयाब नहीं हो पाए थे। इस वक्त इस पर कब्जा करना इसलिए इम्पॉसिबल है क्योंकि इसमें हर जगह पहाड़ ही पहाड़ है, इसलिए इस पर टैंक्स का जाना तो इम्पॉसिबल ही हो गया। दूसरा मेन रीजन है
कि इस देश की सुरक्षा करने का वादा इंडिया ने किया है। इंडिया भूटान को हथियारों और पैसों की मदद भेजता है, साथ ही भूटान की छोटी सी आर्मी को ट्रेनिंग भी इंडिया ही देता है, और इंडिया दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर देश भी है। ऐसे में भूटान पर किसी देश का कब्जा करना इम्पॉसिबल है। नंबर 5, इसराइल। इसराइल एक बहुत छोटा सा अरब देश है और अपने आसपास के सभी देशों से इसकी दुश्मनी भी है, फिर भी अब तक इस पर कोई भी देश कब्जा करने में कामयाब क्यों नहीं हो सका। इसकी आर्मी में केवल 1,76,000 सैनिक ही हैं, लेकिन इस देश की हर औरत को कम से कम 2 साल और हर आदमी को कम से कम 3 साल आर्मी में रहना ही पड़ता है। इसीलिए इस देश के हर नागरिक के पास मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। इसके बाद दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका का पूरा सपोर्ट इस देश को है। इसके अलावा इस देश ने दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री डिफेंस सिस्टम डेवलप कर लिया है, यानी ये देश एक सुरक्षा कवच से घिरा हुआ है, इसमें कोई भी मिसाइल इंटर नहीं हो सकती। नंबर 4, कनाडा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। इसकी आर्मी में केवल 95,000 सैनिक ही हैं। इसे अपनी सुरक्षा के लिए अपनी आर्मी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये देश बहुत ही बड़ा है और यहाँ के जंगलों और बर्फीले मौसम की वजह से इसे जीतना दुश्मन के बस की बात नहीं है। दूसरी बात है इसका पड़ोसी देश अमेरिका, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश भी है, जिससे कनाडा के काफी अच्छे रिश्ते हैं। इसलिए अगर कोई देश कनाडा पर हमला करता है तो उसे अमेरिका से भिड़ना पड़ेगा। नंबर 3, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के डिफेंस सिस्टम के बारे में मैंने आपको एक वीडियो में काफी डिटेल में बताया है, आप ऊपर कार्ड पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दुनिया के सबसे पीसफुल और खूबसूरत देशों में से एक स्विट्जरलैंड पर हमला करना भी इसकी ज्योग्राफी की वजह से काफी मुश्किल है। स्विट्जरलैंड की आर्मी छोटी है, इसमें 1,50,000 सैनिक और 156 एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन इनसे लड़ने के लिए दुश्मन को एल्प्स के पहाड़ों पर जाना होगा, और इन पहाड़ों के बर्फीले मौसम में लड़ना किसी भी आर्मी के लिए काफी कठिन होता है, और इन पहाड़ों में लड़ने की आदत स्विट्जरलैंड की आर्मी को तो है ही। दूसरी सबसे बड़ी बात है, स्विट्जरलैंड के दोस्त, इसके सारे पड़ोसी देश ताकतवर हैं और इसके दोस्त भी हैं, जैसे जर्मनी, फ्रांस और इटली। तो किसी भी हमलावर देश को पहले इन देशों से निपटना पड़ेगा। नंबर 2, इंडिया। इंडिया से जीतना भी काफी मुश्किल है, इसकी वजह है इंडिया की ज्योग्राफी और इसकी आर्मी। इंडिया के पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना कई बार हमला कर चुके हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि इंडियन आर्मी में 14,00,000 सैनिक, 1,785 फाइटर प्लेन्स, 16,000 लैंड आर्मी व्हीकल्स और बहुत सारे न्यूक्लियर वीपन्स। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। इंडिया का उत्तर का ज्यादातर भाग हिमालय से घिरा हुआ है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं। इन खतरनाक पहाड़ों में रहती है इंडियन आर्मी, तो दुश्मन देश के उत्तर से आने के चांस नहीं है, और दक्षिणी इलाके को मिलाकर इंडिया 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो 200 से ज्यादा शिप्स, न्यूक्लियर अटैक कर सकने वाली सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स वाली नेवी से जीतना लगभग नामुमकिन ही है। नंबर 1, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दुनिया का सबसे ताकतवर देश, ऊपर से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश। इसकी आर्मी में लगभग 14,00,000 सैनिक और इनके पास है 7,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वीपन्स। इनमें से 2 का ये एक बार इस्तेमाल भी कर चुका है। इस देश पर हमला करने लायक ताकतवर कोई भी देश अमेरिकी महाद्वीप में नहीं है, और जो देश इस पर हमला करने के लायक ताकतवर हैं, वो इससे काफी दूर हैं। और बीच में हजारों किलोमीटर के समंदर, जिनमें इसकी हाई टेक्नोलॉजिकली एडवांस सबमरीन्स कहीं भी छुपी हो सकती हैं। इसलिए इस देश पर हमला करके इससे जीतना लगभग नामुमकिन ही है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ये दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ये थे दुनिया के टॉप 10 ऐसे देश जिनसे जीतना लगभग नामुमकिन है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और शॉकिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।